हूँ गौतम, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा करियर इन वेब डिजाइनिंग। ओके, तो करियर इन वेब डिजाइनिंग को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि वेब डिजाइनिंग का क्या स्कोप है, ठीक है, वेब डिजाइनिंग के लिए हमें क्या क्या स्किल्स आना चाहिए, ठीक है, वेब डिजाइनिंग के लिए अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2023 में, वेब डिजाइनिंग का किस तरीके का जॉब क्रिएट होता है, इन सभी पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करूँगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वेब डिजाइनिंग होता क्या है। तो जनरली जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब भी हम कोई भी वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो जो वेबसाइट के अंदर का जो फ्रंट एंड होता है, मतलब वेबसाइट में जो आपको अपीयर होता है या ब्राउजर्स में जो भी आपको कंटेंट शो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिजाइन कंटेंट बोलते हैं। अब डिजाइन कंटेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। डिजाइन कंटेंट की यदि मैं बात करूं तो डिजाइन कंटेंट के अंदर स्पेशली यदि अपन प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग में डिजाइन कंटेंट में क्या यूज किया जाता है, HTML। HTML क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज का जो बेसिकली यूज होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, डिजाइनिंग के लिए। इसके अंदर जितने भी टैग होते हैं वो सब पहले से बने हुए होते हैं, आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन सभी टैग का क्या करना है, यूज करना है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट विद इन अ टैग, ठीक है, जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो टैग के बीच में लिखोगे। और मार्कअप मतलब ये होता है कि जितने भी टैग बेस्ड टेक्स्ट होते हैं ये सब पहले से मार्कअप है, पहले से मार्कअप है मतलब पहले से प्री डिजाइंड है, पहले से प्री डिफाइंड है। और ब्राउजर्स के अंदर इनकी लाइब्रेरी पहले से क्या है, इनबिल्ट है। और ब्राउजर्स के अंदर जब हम इस टाइप का टैग ब्राउजर्स रेंडर करता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर का जो भी डेटा डिक्शनरी के थ्रू जो भी मीनिंग्स होता है उस मीनिंग्स को रेंडर करके आपको डिस्प्ले कर देता है। जैसे आपने लिखा H1, तो H1 क्या है, HTML का आपका एक हेडिंग टैग है, ठीक है। तो H1 के अंदर जो भी कंटेंट आप लिखते हो वो कंटेंट क्या हो जाएगा, आपका रेंडर होगा और ब्राउजर्स में वो हेडिंग टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे सरल लैंग्वेज यदि आपको बोला जाए तो वो क्या है, आपका फ्रंट एंड में HTML है। और HTML एक मैंडेटरी लैंग्वेज है। मैंडेटरी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि यदि आपको HTML का नॉलेज है तभी आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो HTML इज द मैंडेटरी लैंग्वेज। अब HTML आपको क्या प्रोवाइड करता है, टैग प्रोवाइड करता है। HTML के बहुत सारे टैग हैं, जैसे हेडिंग टैग हो गया H1 से लेकर के H6 तक, टेबल टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, इटैलिक टैग हो गया, बोल्ड टैग हो गया, ड्यू टैग हो गया, स्पैन टैग हो गया। HTML जो है इंडस्ट्री में आज के डेट में HTML5 वर्जन सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि HTML5 वर्जन क्या है, पूरी तरह से डायनेमिक है। इसके अंदर आपको ऑडियो, वीडियो, कैनवस, हेडर, फूटर, ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टैग मिलेंगे जो आज के मॉडर्न वेब एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो मतलब वेब डिजाइनिंग के अंदर यदि आपको करियर बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या सीखना रहेगा, HTML सीखना रहेगा। HTML का आपको बहुत थोरो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे के मैं कुछ वीडियो सेशन आपको HTML का बताऊंगा कि हम किस तरीके से HTML में कोड लिख सकते हैं, किस तरीके से HTML को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट CSS। HTML के बाद जो सेकेंड लैंग्वेज होती है दैट इज कॉल्ड CSS। अब आप सोचते होंगे CSS क्या है, तो CSS एक डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये इसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, क्योंकि HTML के अंदर यदि आपको कोई स्टाइलिंग करना है, कोई प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करना है, जैसे मान लीजिए आपका H1 है। अब H1 एक हेडिंग टैग है HTML का, ओके। H1 क्या है, आपका एक हेडिंग टैग है, ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये सब चीजें बता रहा हूँ शॉर्ट में। HTML की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट एडिटर यदि कोई भी है तो वह है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। VS कोड एक मॉडर्न IDE है, एडिटर है, आप इसका यूज करिए HTML के लिए, ओके। फाइल, नाउ आई विल गो ऑन न्यू फाइल। सिंपली मैंने यहाँ पे एक नया फाइल बनाया, इसका नाम दे दिया मैंने demo1.html, ओके। दिस इज द फाइल, दिस फाइल हैज बीन क्रिएटेड। ये HTML की फाइल क्रिएट हो गई। HTML बहुत ही शॉर्टकट में है, आपको देखिए यहाँ पे HTML का कंटेंट डायरेक्टली क्या हो गया, रेंडर हो गया। बस आपको कुछ भी नहीं करना VS कोड में, बस आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना है। HTML का पूरा डॉक्स आपके सामने प्रिपेयर हो गया। ये HTML का डॉक है, ठीक है। HTML के अंदर आपका जो रूट टैग होता है वो HTML होता है, इसके अंदर हेड और बॉडी टैग होते हैं, ठीक है। HTML के अंदर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर H1, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने HTML में क्या लिखा। मैंने यहाँ पे H1 लिखा और H1 के अंदर लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, ओके। अब इस हेलो वर्ल्ड के अंदर क्या करना है, मुझे इसका डिजाइनिंग क्या करना है, कलर चेंज करना है, मुझे इसका कंटेंट कलर चेंज करना है। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, कलर। कलर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर रेड कलर कर दिया। तो अब ये जो आपका हेलो वर्ल्ड है ये किस कलर में दिखेगा, रेड कलर में दिखेगा। तो ये काम कौन कर रहा है, CSS कर रहा है। तो CSS का मतलब ये होता है कि यदि आपको कोई भी मार्जिन, पेडिंग, बैकग्राउंड कलर, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली,
या कुछ भी आपको HTML के अंदर के टैग के अंदर यदि कोई डिजाइनिंग आपको या कोई एट्रीब्यूट के फॉर्मेट में यदि आपको कोई डायनेमिक डिजाइनिंग क्या करना है, कैस्केड करना है या ओवरलैप करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं CSS। इसलिए इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केड का अंदर मतलब ओवरलैप करना, ठीक है। तो जो भी HTML के अंदर के जो इनबिल्ट फीचर है उसको हम क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, CSS के थ्रू। तो HTML और CSS का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको HTML CSS के बाद JavaScript का भी यदि नॉलेज है तो आपके लिए डिजाइनिंग के लिए बेटर है, क्योंकि जो एनिमेशंस और इफेक्ट है वो आप JavaScript और jQuery के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है बूटस्ट्रैप, ठीक है। बहुत सारे लोग बूटस्ट्रैप बोलते हैं, बूटस्ट्रैप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बूटस्ट्रैप सबसे सरल लाइब्रेरी है। बूटस्ट्रैप क्या है, एक लाइब्रेरी है, या इसको आप फ्रेमवर्क लाइब्रेरी बोल सकते हैं। और इसके अंदर CSS के पहले से रेडीमेड क्या है, कंटेंट है। इसमें CSS के बने बनाए क्या होते हैं, आपके टैग, और CSS के बने बनाए क्या होते हैं, आपके क्लासेस होते हैं। CSS के क्लासेस के अंदर फीचर्स रहते हैं। तो आपको यदि कोई मॉडर्न डिजाइनिंग करना है और आप बाय स्क्रैच CSS नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप CSS के फीचर्स को इनहेरिट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से। साथ में बूटस्ट्रैप जो है स्पेशली डिजाइन किया गया था रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के। रिस्पॉन्सिव मतलब, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हम मोबाइल फोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब कोई भी वेब एप्लीकेशंस हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में कम ओपन करते हैं, मोबाइल फोन पे ज़्यादा ओपन करते हैं। तो बूटस्ट्रैप का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मतलब जो डिजाइन आपने बनाया है वो डिजाइन आपके डेस्कटॉप और वेब में तो दिख ही रहा है, साथ में वो डिजाइन आपको उसी तरीके से मोबाइल फोन पे भी दिखना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि सभी स्क्रीन पे आपका एप्लीकेशन क्या है, प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए एंड रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये काम हम किससे कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप से। तो ये प्री कंडीशंस हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट। ये आपको बहुत अच्छे से इसका नॉलेज होना चाहिए यदि आप अपना करियर वेब डिजाइनिंग में बनाना चाहते हैं। वेब डिजाइनिंग में आपको कंपनी में कौन सी प्रोफाइल पे हायर किया जा सकता है, इसके लिए आपको कंपनी में वेब डिजाइनर का ही प्रोफाइल होता है, UI/UX का प्रोफाइल होता है। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेब डिजाइनिंग का भी अपने आप में बहुत स्कोप है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, आपने सुना होगा। तो यदि आपका डिजाइनिंग बहुत स्ट्रांग होगा तो आगे की चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली क्या है, बहुत बेटर तरीके से आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्लाइंट को यदि अपने को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यदि एग्री करना है तो उसका डिजाइनिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इसलिए वेब डिजाइनिंग, हर कंपनी जो वेब डेवलपमेंट में काम करती है वो वेब डिजाइनिंग के लिए हायरिंग करती है, ओके। वेब डिजाइनिंग का जो प्रोफाइल, मतलब जो सैलरी है या ग्रोथ है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इनिशियली सैलरी आपको यदि आप किसी कंपनी में जाते हैं 10-15 से स्टार्ट करके आप अपना करियर बना सकते हैं। आगे आप वेब डिजाइनिंग को इन्हांस भी कर सकते हैं रिएक्ट JS या एंगुलर JS के थ्रू, और आप वेब डिजाइनिंग से एक फ्रंट एंड डेवलपर प्रोफाइल पे जा सकते हैं। तो वेब डिजाइनर और फ्रंट एंड डेवलपर्स अलग है। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब जिसको HTML, CSS, JS और रिएक्ट का नॉलेज हो। वेब डिजाइनर मतलब जिसको सिर्फ HTML, CSS, JavaScript और बूटस्ट्रैप का नॉलेज है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेब डिजाइनर बोलते हैं, ठीक है। तो आने वाले फ्यूचर्स में वेब डिजाइनिंग में और बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट होने वाले हैं, इसलिए आपको वेब डिजाइनिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं जैसे बूटस्ट्रैप है, ये आपको सीखना ही चाहिए, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अंदर CSS के अंदर के मॉडल भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। CSS के अंदर भी लिखने का तरीका भी चेंज हो रहा है, तो CSS के अंदर भी बहुत सारे अपडेशंस वेब डिजाइनिंग में लगातार हो रहे हैं, ओके। तो ये मेरा जो सेशन था इसमें मैं आपको यही रिकॉग्नाइज करना चाहता था, बताना चाहता था, एक्सप्लेन करना चाहता था कि वेब डिजाइनिंग क्या है। तो वेब डिजाइनिंग इज नॉट अ डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग इज यूज्ड टू क्रिएट द यूजर इंटरफेस ऑफ वेब एप्लीकेशंस। दैट्स इट।